بسم الله الرحمن الرحيم وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل عليه تبھی درود بھیجے بلند آواز اس لیے کہ بلند آواز سے درود بھیجنا حدیث رسول کے مطابق دل سے منافقت کو دور کر دیتا ہے رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین مولا امام زمانہ علیہ السلام کو کرسا پیش کرتے ہوئے سب مل کے دعائیں سلام کیے امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بره في هذه الساعة وفي كل ساعة وتمتعه فيها طويلا سب کے صلوات پہ دے محمد علیہ وسلم اما بعد فقط قال الله الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ نارِ السلامات اللہ صلی اللہ محمد وعالی ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہے اور ذات میں بطول ہے جن کے احترام میں کائنات کی سب سے بڑی نبوت بلند ہو جائے کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی حضور احترام میں بلند ہو جاتے تھے کلما کانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط جوانی کی بات نہیں ہے پھر جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی یعنی چاہے بچپن میں بھی آتی ہے میرے ساتھ آتا ایک مل کے یہاں سے وہاں تک فاطمی صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر کلما کانت دخلت فاطمہ جب بھی بی بی تشریف لاتی تھی قام الیہا اگر عربی سمجھنے والے یہاں موجود ہیں تو قام بہا نہیں ہے کہ فقط کھڑے ہوتے ہیں قام الیہا دوڑ کر آگے مصطفیٰ استقبال فرماتے تھے فاطمہ زہرا کا قام الیہا آگے بڑھتے تھے استقبال فرماتے تھے بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے وہ اجلسہا فی مجلسی
और उन्हें वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। पता चला मुस्तफा की जगह पर ये अली बैठ सकते हैं या फातिमा बैठ सकती है। मुझे जाना है एक मौजू तक मस्जिद शाह खुरासान से। बहुत सारे सामीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कि जो वहां मौजू शुरू हुआ था बीबी के नाम के बारे में, नाम ज़हरा सलाम अल्लाह, नाम की अजमत तो समझ लो, जात की अजमत तो समझ में आने वाली नहीं है तुम्हारी। नाम ज़हरा पर एक दिन के सलावत देते बोला तर मोहम्मद आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुझे जाना है वहां तक लेकिन ये तमीज सुन लीजिएगा। तो हुजूर काम इलैया आगे बढ़ के इस्तकबाल करवाते थे वो अजला साहबी मजलिस ही और सैयदा को वहां बिठाते थे जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। तो क्या ये बाप बेटी के लिए बुलंद हो रहा था? अगर बाप बेटी के लिए बुलंद हो माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आप में से बहुत सबको बेटियां अता की होंगी और बेटी अल्लाह की रहमत है। हुजूर ने फरमाया जिसने चार बेटियों की सही परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे हो। फिर हुजूर ने कहा चार बहुत हैं, जिसने तीन बेटियों की परवरिश की उस पर जन्नत वाजिब है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। फिर फरमाया तीन बेटियां भी बहुत, अगर दो बेटियों की परवरिश की उस पर भी जन्नत वाजिब है। कहा किसी ने एक बेटी की सही परवरिश की, बेटियों की विलादत पर दुखी ना हो जाया करें, खुश हुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने रहमत अता की है। ये तो जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को फातिमा अता की ना तो वहां बहुत सो के चेहरे बिगड़े हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि रसूल को बेटा अता होगा, ये बेटी कहां से अता होगा। इन्ना अतैना कल कौसर नस्ले रिसालत, बेटी से आगे बढ़िए। तो वो ताज्जुब में थे तो हुजूर ने उनके चेहरे बिगड़े हुए देखे तो हुजूर ने बास लोगों से कहा मा लकुम तुम्हें क्या हो गया, रिहानतुन शम्मुहा अल्लाह ने मुझे जन्नत का वो फूल अता किया। हर बाप अपनी बेटी को बोसा देते हैं प्यार मोहब्बत से लेकिन हुजूर इस्तिशमाम फरमाते थे यानी फकत चूमते नहीं थे, हुजूर सूंघा करते थे फातिमा को, सूंघते थे और कहते थे यानी अशम और आया था जन्नत में कि मुझे फातिमा से जन्नत की खुशबू महसूस होती है या अल्लाह। वो मोहम्मद जिसके सदके में जन्नत बनी है उन्हें जन्नत की खुशबू फातिमा से महसूस होती थी। खुदा मुस्तफा मुर्तजा सभी वली है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहू वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युकीमूना सलाह व यूतूना ज़क़ात व हुम राकिऊन। खुदा मुस्तफा मुर्तजा सभी वली है, विलायत की इज्जत फकत फातिमा है। ये अल्फाज आया ना होने देना भाई, विलायत की इज्जत फकत फातिमा है और जमाने की जन्नत न जाने कहां हो, मोहम्मद की जन्नत फकत फातिमा। तो क्या ये बाप फकत बेटी के एहतराम में बुलंद हो रहा है? अगर ऐसा ही है तो फिर अल्लाह ताला ने जो आपको बेटियां अदा की क्या आपके लिए भी कोई मुस्तहब है कि जब आपकी बेटी तशरीफ लाए तो आप एहतराम में बुलंद हो जाए? नहीं, ना किसी शिया मुश्तहिद ने फतवा दिया ना अहले सुन्नत मुफ्ती ने फतवा दिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप बेटी के लिए बुलंद हो रहा है। जुमला कहूं, रिसालत मुस्तफा है जो इस्मत फातिमा जहरा के एहतराम में बुलंद हो रही है। ये मकाम जहरा का एहतमाम है, यानी बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा जहरा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल है। आदम भी वहां बुलंद हो जाएंगे? नूह अलैहिस्सलाम क्या वहां बैठे रहेंगे? नहीं, नूह भी बुलंद हो जाएंगे।
इब्राहिम बैठे रहेंगे वो भी बुलंद हो जाएंगे, इस्माइल बैठे रहेंगे बुलंद हो जाएंगे, याकूब यूसुफ इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया हजरत यहया अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब बुलंद हो जाएंगे इसलिए कि मुस्तफा बुलंद है। सैयदा के लिए मगर एक नबी बुलंद नहीं होता, सवा लाख नबूवतें जिसके एहतराम में बुलंद हो जाए उसे शरीयत में फातिमा ज़हरा कहा जाता। ये फकत बेटी के एहतराम में बुलंद होना नहीं है, ये मकाम इस्मत ज़हरा के एहतराम में बुलंद होना है। सुभान अल्लाह, ये बात पहुंच गया। एक दो दिन मुझे गुफ्तगू करनी है, कुछ हो सकता है कि मारिफ के कुछ खजाने आप तक पहुंचा दो इंशाअल्लाह। ये फकीर मौला का जी, और इसलिए बुलंद होते हैं हुजूर के अल्लाह ने सैयदा को लेने के लिए अर्श पे बुलाया। भाई मुझे ज़ियारत वारसा माशाल्लाह सबको याद होगी तकरीबन, मेरे साथ पढ़ना जिन्हें याद है, अशहदु अन्नक कुंता नूरन, मौला आपको खुश रखे, वल अरहामिल मुतहरा, मौला हुसैन में गवाही देता हूँ आपका नूर असलाब शामिखा से अरहाम मुतहरा में मुंतकिल होता रहा। ये तमाम आइम्मा का नूर, सबकी ज़ियारत में यही है। मुझे बीबी की ज़ियारत में जुमला बताओ कि मैं गवाही देता हूँ आपका नूर असलाब शामिखा से यानी पाकीजा सुल्बों से पाकीजा अरहाम में मुंतकिल होता नहीं है, जुमला है ही नहीं, बीबी की ज़ियारत में नहीं जुमला। बीवी के नूर को अल्लाह ने किसी सुल्ब में रखा ही नहीं, काश बात पहुंच सके। या अल्लाह सुभान अल्लाह, ये अजमत तो समझ में आ गया उस बीवी की, बीबी के ज़ियारत में नहीं है जुमला। मुझे लाके बतलाइए तो मैं माफी मांगूंगा यहाँ से कि मुझसे खता हो गई। अशहदु अन्नक कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहाम मुतहरा, ये मौला हुसैन की ज़ियारत में, मौला रज़ा की ज़ियारत में, दीगर आइम्मा की ज़ियारत में, लेकिन बीबी की ज़ियारत में ये नहीं है। या मुमतहना तुमतहना किल्ला अल्लज़ी खलक़की क़ब्ला अन यख़लुक़ा की फ़वजदा की लिमन तहना की साबिरा, ये बीबी की ज़ियारत है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ ज़ियारत है। उस बीबी पर सलाम हो कि अल्लाह ने जिसका इम्तिहान उस वक्त लिया कि जब अभी खल्क़ भी नहीं किया था। अभी इससे पहले के खल्क़ करता उस वक्त इम्तिहान लिया, मुझे नहीं मालूम क्या इम्तिहान था। वजह अकेले मनता की साबिरा, तो उस वक्त जो बीवी का इम्तिहान लिया उसमें आपको साबिरा पाया अल्लाह सुबहानहु तआला ने, ये बीवी की ज़ियारत है। अब मुझे आके इसकी कोई तशरीफ करके बताया, मैं आपसे नहीं कह रहा, आपने आपसे नहीं कह रहा, कोई बड़े से बड़ा फकीह आलिम कोई आके बताए यहाँ पर, नामुमकिन है। ये सिर्रु मिन असरारिल्लाह तआला, इसलिए बीवी के लिए वो अल्लाह के राजों में से एक राज है। अभी कहकर आ रहा हूँ वजीर शाह कुरान में फातिमा नाम का यही मतलब है, फातिमा का आम लुगत में जिसे जुदा किया गया हो किसी शय से, मोमिनों की लुगत में जिस के मुहिब्बों को अल्लाह ने जहन्नम से दूर रखा है जुदा किया है। आम लुगत में है जुदा होने वाली, मोमिनों की लुगत में है जहन्नम से मुहिब्बों को जुदा करने वाली, और मौला की लुगत में मासूमीन की लुगत में समझ में ना आने वाली, यह है फातिमा का मतलब। इंसानों को दूर रखा गया है फातिमा की मारिफत से, नहीं समझ सकते, नामुमकिन। तो फिर बीवी का नूर जमीन पे कैसे आया, जब कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा वल अरहाम मुतहरा है ही नहीं, मेराज पे जो बुलाया था, आए आए जिब्रील भी नहीं है, सेब अता किया खास बड़ा है राज खुदा ने सेब अता किया। इस सेब को दुनिया का सेब ना समझ लेना, ये हमें समझाने के लिए ताबीर है, वरना मालूम नहीं है कि क्या अता किया जी, ये हमें समझाने के लिए कि हमारा जहन थोड़ा करीब हो जाए। हुजूर को कोई खास शय अता की, उसको नाम सेब दिया गया, उस सेब से नूर सहरा अल्लाह सुभान व तआला ने बिला फसल अपने हबीब में मुंतकिल किया। या अल्लाह, भाई जैसे अली बिला फसल खलीफा है, ना अली और मोहम्मद के दरमियान कोई है, ना फातिमा और मोहम्मद के दरमियान कोई है। या सुभान अल्लाह, मसाइब में भी अजीब कहते हैं, फजाइल में जब कैफियत होने लगे ना, तो इज्जत की खास बिला फसल अपने हबीब को अता किया मेराज पे बुलाकर, यानी उस नूर ज़हरा को अल्लाह सुभान व तआला ने अर्श पर खुद पाला है।
कोई और नहीं, इतनी पर्दों में है, इस पतों वाली बीवी है, असलाब शामे का अरहाम मुतहरा भी नहीं है, मोहम्मद को बराह रास्त अता किया। ये भी फरमाया था कि 40 दिन आप बीवी खदीजा से दूरी इख्तियार करें, उसके बाद अता किया। सुभान अल्लाह, अजीब एहतमाम है, अगर पहुंचा सको तो कुछ बिसरे पढ़ो। अपने महबूब को खुद सेब खिलाया होगा, खुद उसने आए हाय, अपने महबूब को खुद सेब खिलाया होगा और नूर को नूर मोहम्मद से मिलाया होगा। नूर को नूर मोहम्मद से मिलाया होगा और उसने कौनैन को शाहकार सराफा देकर तब कहीं फातिमा जहरा को बनाया होगा, तब कहीं फातिमा जहरा को बनाया होगा। और तेरी आमद की खबर सूरह कौसर में बयां करके रंजीदा मोहम्मद को हंसाया होगा, करके रंजीदा मोहम्मद को तसलसल में करके रंजीदा मोहम्मद को हंसाया होगा। और तेरी तखलीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हम पल्ला तेरा कुफ बनाया होगा। यहां से वहां तक अल्लाह सल्लल्लाहु, तेरी तखलीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हम पल्ला तेरा कुफ बनाया होगा। फकत अली है हम कुफ जहरा, इस पे बात करूंगा लाहौर की किसी मजलिस में जहां मौलाना ने चाहा इंशाल्लाह ज़बान पे जारी हुआ। तेरी तखलीक से पहले ही खुदा ताला ने तेरा हम पल्ला तेरा कुफ बनाया होगा और उसके दर्जात जमाने को बताने के लिए शाह कौनैन ने हाथों पे उठाया होगा। तेरे काबिल उसे हर दौर जमाना समझे, उसकी आमद के लिए काबा सजाया होगा। या अल्लाह, भाई हमको फैना तो वहां अर्श को बुलाया जहरा का नूर लेने के लिए, अली का नूर काबे में उतारा। हमको समझ में आ रहे हैं, ये मरजल बहरेन यल्तकियान समझ में आ रहा है। या अल्लाह, अल्लाह ने दो समंदरों को मिला दिया, सूरह रहमान है, दो समंदरों को मिला दिया, एक है इस्मत और तहारत का समंदर जहरा है, एक है इल्म और हिकमत का समंदर अली इब्न अबी तालिब है। मरजल बहरेन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, उनके दरमियान एक बरज़ख है, हद्द फासिल बरज़ख, रसूलुल्लाह ने कहा मैं खुद हूं अना बरज़ख, के दोनों कभी एक दूसरे से तजावुज नहीं कर सकते। फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। यख्रुजु मिन्हुमा लुलू वल मरजान, इन समंदरों से हमने लुलू और मरजान खारिज किए, बात न जाया करना। समंदरों से हमने लोलू और मरजान खारिज किए, लोलू कहते हैं सब्ज मोती को, मरजान कहते हैं सुर्ख मोती को। लोलू से मुराद इमाम हसन अलैहि सलाम है, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहि सलाम है। फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओ। बेटी के लिए नहीं बुलंद हो रहे, जुमला ज़हन में है, मकाम इस्मत ज़हरा के लिए बुलंद हो रहे। बेटी के लिए बुलंद हो तो फिर हर बाप के लिए सुन्नत रसूल है। आप भी अपनी बेटी के लिए बुलंद हो ना, कोई फतवा नहीं। ये मकाम इस्मत का तकाज़ा है कि जब जब बीवी आ रही है हुजूर उस मकाम के लिए बुलंद हो रहे। क्या नवासे के लिए सजदे को तूल दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, भाई जहरा के घर की बात हो रही है, जरा मेरे साथ सुनना इसे। सुभान अल्लाह, क्या क्या
नवासे के लिए, तो आपको भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत से ग्रैंड फादर्स होंगे यहाँ पर जिनके नवासे, तो आपका नवासा आपकी पोस्ट पर आ जाए तो आप भी 70 मरतबा पढ़ेंगे सुभान रब्बी अला नवा जाते हैं नहीं। अच्छा इमाम जमात आप छोड़ दें, तो इमाम जमात हो वो नमाज पढ़ा रहे हो उनकी पुछ पर उनका नवासा आगे बैठ जाए तो वो पढ़ तो ले 70 मरतबा, अगली बार नमाज पढ़ा ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सारे मुक्तदी जान को आ जाएंगे कि मौलाना आपका नवासा पुछ पर आ जाता तो हमारा क्या कसूर था। भाई आपको जो नवासे के साथ नाज उठाना है वो घर के अंदर उठाइए, मस्जिद में क्यों आ गए। अरे पता चला ये सरकारी मामला है, बात पहुंच रही है, ये सरकारी मामला है, ये इस्मत हुसैन का तारुफ हो रहा है, नवासा नहीं है फकत नाना की पुश पर, ये इमामत हुसैन है जो रिसालत मुस्तफा पर मौजूद है और हुजूर तारुफ करवा रहे हैं। क्या बता रहे हुजूर कि मैं सज्दे को तोड़ दे रहा हूं हुसैन की खातिर, देखो तुम हुसैन का नाम लेकर सज्दों को छोड़ ना देना, आज मेरी बात पहुंच सके, हुसैन ही का नाम लेकर सज्दों को छोड़ ना देना तुम। अच्छा हुजूर के पुष्प पर हुसैन है, अब मुझे बात तो करनी है, मेरे सर में मामा है, मैं हौसे इल्मिया से आया हूँ, पैसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। अच्छा हुजूर अगर सज्दे से सर उठा लेते तो क्या होता, नमाज जारी रहती, हुसैन गिर जाते। हुजूर ने ऐसा किया नहीं किया। अच्छा अगर अगर हुजूर नमाज तोड़ देते या छोड़ देते और हुसैन को गोद में बिठा लेते तो हुसैन तो गोद में रहते लेकिन नमाज जारी रहती, नहीं हुजूर ने ऐसा किया नहीं। हुजूर ने नमाज को भी जारी रखा, हुसैन को भी साथ रखा। हैदरी नारा होना चाहिए था जो करबला तक जाए इंशाल्लाह आपका नारा। मेरे भाई ने हाथ बुलंद करके नारा लगवाया, या अली, तो वैसे ही कई सवाब है, अभी पढ़कर आ रहा हूँ मस्जिद खुरासान में, मौला अली के नाम की तासीर है, या अली कहने की क्या तासीर है। अच्छा जो वहां पढ़ते हैं उनकी इजाजत है कि मैं उस एक हदीस को यहाँ दोहरा दूँ, एक हदीस को, ठीक है वो ये कि मेरे नबी ने फरमाया, बल्कि खुद मौला अली ने खुद फरमाया, अना कुतिबा इस्मी अलल अर्श फस्तकर्रा, मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। अर्श मुस्तकर हो गया, करार आ गया, जब नाम अली अर्श पे लिखा गया, अल्लाह सुभान व तआला ने लिखा भाई इसने परवरदिगार, वअला समावात फकामत, मेरा नाम जब आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गया, वअला अर्ज फरशत, मेरा नाम जब जमीन पर लिखा गया तो जमीन बिछती चली गई, وعلى الريح فذرت, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएं जारी हो गई, وعلى الوادي فهما, वादी का तर्जुमा वही है, मेरा नाम जब वादियों पर लिखा गया तो उससे नहरें बहने लगी वादियों से, وعلى البرق فلمع, मेरा नाम जब बिजली पर लिखा गया तो बिजली कड़कने लगी, وعلى السحاب فدمع, मेरा नाम जब बादलों पर लिखा गया तो बादल बरसने लगे, وعلى الليل فدجا واظلم, मेरा नाम जब रात पर लिखा गया तो रात सुकून के लिए तारीख हो गई, وعلى النهار فانار وتبسم, मेरा नाम जब दिन पर लिखा गया तो दिन रोशन हो गया और मुस्कुराने लगा। नाम अली की अजमत यह है तो साथ अली की हैबत क्या होगी। तब ये अर्ज क्या कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर जो एहतराम में बुलंद हो रहे हैं
मकाम इस्मत जहरा कहता है। हुजूर नवासे के लिए सजदे को तूल दे रहे, नवासे के लिए, फकत नवासे के लिए नहीं, वरना तो आपके लिए भी मुस्तहब है, आपका नवासा आपकी पुश्त पर आ जाए आप भी सजदे को तूल दे। नहीं कोई नहीं, कोई इमाम जमात काम नहीं करेगा, कोई ये रिस्क नहीं लेगा। हुजूर ने क्यों सजदे को तूल दिया? तो हुजूर ने समझाया कि ना मैं नमाज को तोड़ूंगा ना हुसैन को छोड़ूंगा, इससे अच्छी नमाज और हुसैन के साथ मिसाल मुमकिन नहीं है। अरे बताऊं क्यों? इसलिए कि नमाज मोमिन की मेराज है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है, सजदा नमाज की मेराज है, और साहिबे मेराज सजदे में है। मेरे साथ मेरे भाई, या अल्लाह, नमाज मोमिन की मेराज है, सजदा नमाज की मेराज है, जिसे मेराज नसीब हुई है वो खुद सजदे में है, और पुश पर हुसैन है। अब समझ में आया हुसैन कितना बुलंद है? अब हैदर हैदर वाली बात तो अब आ रही है, अब सुन लेना। अच्छा, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, फातिमा का बेटा पुश्त पर है, हुजूर नमाज नहीं तोड़ते ना हुसैन को छोड़ते, नमाज को जारी रखा हो, 70 मरतबा पढ़ा सुभान रब्बी अला व बिहम्दे, जिब्रील नाज़िल हुआ या रसूल अल्लाह, उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाए जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए। हुजूर ने समझाया सारी उम्मत को, क्या समझाया? सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, मेरे आखिरी मिसरे में जा रहा हूँ फिर उसके बाद मसाइब पर, सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, भाई हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम वो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे ना, तो हुजूर आगे सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते, हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पूछते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे, क्या बता रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौथर, उसी को महशर में चैन होगा, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौथर, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। लिहाजा हुजूर का जी मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन हो जाए, नमाज उसी की कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन, बाकी फिर नमाज नहीं, फिर टक्कर है। खुद हुजूर ने कहा था अली अगर कोई 1000 बरस की उम्र पाए और 1000 साल तक इबादत करता रहे, 1000 साल तक नमाजें पढ़ता रहे, 1000 साल तक रोजे रखता रहे, 1000 मरतबा कोहे ओहद के बराबर सोना और चांदी सकाक में दे, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मारा जाए, लेकिन ए अली आपकी मोहब्बत ना रखता तो लब यशम राय हतल जन्ना, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूख सकता। जब कहां से जन्नत खुशबू सूंघेगा? जब जन्नती पहुंचेगा ना जन्नत पर, तो जन्नत का दरवाजा ही लॉक है, बंद है, उसे कहा जाएगा दरवाजे को मारो, कुंडी को दरवाजे पर मारो जी, जैसे फैजा दरकत हलक, तो मैंने पहले भी मजलिस में कहा फकत खिताबत की लफाजी करके चला जाऊं तो आपको हक है कि आप पूछेंगे आपने कहां से पढ़ा, मैं वैसे नहीं पढ़ सकता जब तक हदीस इमाम मौजूद ना, जब तक कलाम अहले बैत ना, इमाम का कलाम है कि
ان باب الجنت میں یاقوت کا مبرا چلے یہ بھی سنا دو جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا کوئی ہماری طرح کا لکڑی کا اسٹیل کا دروازہ تھوڑی جنت ہے سرخ یاقوت کا دروازہ اللہ صفائح ذهب اس پر سونے کا کام ہوا ہوا ہے جنت کا سبحان اللہ دروازہ اتنا خوبصورت کہ جو ایک شخص جنتی پہنچا ہے وہ اس کو دیکھ کر انگوج بدلتا ہے اتنا خوبصورت دروازہ لیکن دروازہ کا تو اللہ صفح جیسے ہی وہ کنڈی دروازے پر لگے گی تنت زور سے آواز آئے گی وقالت یا علی وہ دروازہ کہے گا یا علی اچھا ایمان سے بتانا جسے نعرہ حیدری یا علی سے تکلیف ہے وہ وہاں کہاں جائے گا پھر علی الحب جنہ کل میں پہنچاؤں کربلا سے کل ہی تو نگاہوں میں نجف اور کربلا کی یادیں ہیں بہت جب آپ زیارتوں پہ دیکھتے رہے ماشاء اللہ تو جب آپ مولا کی زری پہ جائیے تو وہاں یہی شعر لکھا ہوا امام شافعی کا زری سے پہلے علی الحب جنہ دیکھیں ایک لفظ عربی میں جیم نون اور چھوٹی تا جیم پر پیش لگائیے جننا مطلب الگ ہے جیم پر زیر لگائیے جننا مطلب الگ ہے جیم پر زبر لگائیے جننا مطلب الگ ہے لیکن تینوں میں علی کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اے 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 میرے صاحب علی الحبہ جننا امام الانس والجن وسیع المصطفیٰ حقا قسیم النار والجنہ جنہ 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 علی حبہ جنہ علی کی محبت جنہ کہتے قلعہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے جو علی کی محبت میں آ گیا وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا اسے پھر عذاب نہیں ہونے والا انشاءاللہ اگر اعمال ٹھیک کر کے جائے علی کے عقیدے کے ساتھ علی حبہ جنہ امام الانس والجنہ علی فقط انسانوں کا امام نہیں جنوں کا امام علی ابن ابی طالب ہے سبحان اللہ دیکھیں آپ نے جسے ماننا ہے انہیں مان لیجیے لیکن دوسروں کو علی کے ساتھ نہ ملائیے کہ جس کی حکومت فقط انسانوں پر نہیں ہے جنوں پر بھی ہے سبحان اللہ ارے کسی کو شک ہے تو دیکھ لے علی نے اشارہ کیا تھا تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آیا تھا تو علی حبہ جنہ امام الانس والجن ان جن دونوں کے امام وسیع المصطفیٰ حقا مصطفیٰ کے برحق وسیع قسیم النار والجنہ جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں سبحان اللہ جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں یہ جنت جہنم خدا تقسیم کرے گا یا علی تقسیم کرے گا سوال تو ہے خطرناک سوال ہے باذن پروردگار علی تقسیم کریں گے لیکن کیسے کریں گے جانتے ہیں کسی نے پوچھا امام شافعی سے کہ بلکہ امام احمد بن حنبل کا نام لکھا ہوا ہے ان سے پوچھا کہ یہ علی تقسیم الجنت و النار یہ ٹھیک ہے کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیسے کہ اس لیے کہ کیا نہیں سنا تم نے کہ حضور نے کہا یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق اے علی تمہاری محبت ایمان تمہارا ہی بغض کفر و نفاق ہے کہیں سن تو رکھا ہے کبھی بتاؤ عین اچھا یعنی تمہاری محبت ایمان ہے تو لا یحبک الا مومن علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت نہیں کر سکتا علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض نہیں رکھ سکتا یہ نہج البلاغہ کا بھی جملہ ہے میں جوانوں سے کہوں گا کہ نہج البلاغہ بہت ہم نے وقت ضائع کر دیا یقین جانے نہج البلاغہ کو ہمیں بہت پہلے پڑھنا چاہیے اور اس کا جو آخری کلمات قصار ہے شارٹ کوٹیشن میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ان کو تو آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس پڑھتے رہیں گھر میں نہج البلاغہ رکھیں آپ کو دو تین منٹ کیا دو منٹ نہیں نکال سکتے آپ مولا علی کے کلام کے خلاف ابھی یہاں لاہور میں اعلان ہو جائے کہ مولا علی کے حرم سے چادر مس ہو کر آئیے ان کی ذریعہ متحر سے سارا لاہور یہاں آئے گا زیارت کے لیے یا نہیں آئے گا آئے گا آنا بھی چاہیے بالکل ٹھیک ہے لیکن مولا علی کی زبان متحر سے نکلے ہوئے الفاظ علی کے حرم سے چادر مس ہو کے آئے تو قابل احترام ہے علی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو نہج البلاغہ میں وہ تو گھر میں پڑھے میں پڑھے انہیں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں یہ جو شارٹ کوٹیشنز ہیں
आप यकीन जानिए आप पढ़ना शुरू करें, आपको महसूस होगा कि आपने अपनी जिंदगी के 20-30 साल के तजर्बे से जो सीखा है वो अली ने एक जुमले में उसको बयान किया हुआ है 1400 साल पहले। मौला कहते हैं इल्म के शरफ के लिए इतना ही काफी है कि इसका ना रखने वाला भी इसका दावा करता है। आजकल तो हर एक के आगे अल्लामा लगा होता है और इन्होंने मुकदमे में लिखा कि मैंने अपने आप को पाबंद किया था कि मैं जब तक नहजुल बलागा की शराब पूरी नहीं कर लूंगा उस वक्त तक किताब खाने से बाहर नहीं आऊंगा, मन्नत मानी थी। तो जैसे अली की जाहिरी खिलाफत 4 साल और चंद मार रही, मुझे भी अल्लाह ने तौफीक अता की अली के सदके में कि मैंने नहजुल बलागा की शराब को 4 साल और चंद माह में मुकम्मल किया उतने ही वक्त में। यह एक अजीब करामत थी। उसमें वो लिखते मैंने जितना अली के कलाम को पढ़ा तहत कलाम खालिक व फौक कलाम मखलूक, अली का कलाम खालिक के कलाम से नीचे और हर मखलूक के कलाम से वाला दर है। सुभान अल्लाह, ये मां बहन खालिक व मखलूक को है मामला, सही ना? सुभान अल्लाह। भाई जनाब रेहान आजमी साहब की रूह को अदिया करते हुए उनके 4 मिसरे ये, अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में, तक गए क्या? खुदा का नूर है शामिल अली के लहजे में, कि अगरचे लहजे बलागा है आदमी का कलाम मगर ये बात कहां आदमी के लहजे में। कुछ और है भाई मामला याद है, मगर ये बात कहां आदमी के लहजे में। वही नहजुल बलागा में मैंने मौला ने कहा लव जरब तो खैशुम अल मोमिन में सही जिहाद अला अन युगसनी महबसनी, अगर मैं अपनी तलवार से मोमिन की नाक काट दूं ताकि मोमिन मुझसे बोझ रख ले, मां अब गजनी मोमिन कभी मुझसे बोझ रख नहीं सकता। बोलो सबब तो दुनिया में जमात है हाल मुनाफिक, और अगर दुनिया की सारी नेमतें मुनाफिक के कदमों में डालो अला युहिब बने नहजुल बलागा सुना रहा हूं ताकि मुझसे मोहब्बत करने लगे, कुछ हो जाएगा मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत कर नहीं सकते। इसलिए दूसरे नारे तो सब लगा देंगे, नारे हैदरी वही लगाएगा जिसके दिल में ईमान की दौलत होगी। तो इसलिए कि हुजूर ने इसके बाद मौला ने कहा लअन्नहु कुदिया फतका अला लिसान नबी उम्मी, इसलिए कि इस बात का फैसला पहले ही नबी सादिक की जबानी हो चुका था कि या अली मा युबगिसुकल मोमिन वमा युहिब्बुकल मुनाफिक, अली कोई मोमिन आपसे बुग्ज नहीं रख सकता, कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत कर नहीं सकता। बात हो रही थी इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा अली जन्नत जहन्नम तकसीम करेंगे, तो किसी ने पूछा कैसे करेंगे, कहा हदीस सुनी है रसूल अल्लाह की, कहा अइनल मोमिन, मोमिन कहाँ होगा, फिल जन्नत, व अइनल मुनाफिक, मुनाफिक कहाँ होगा, फिर नार जहन्नम। कहा जब मोमिन जन्नत में होगा और अली से कोई मोमिन के अलावा मोहब्बत कर नहीं सकता, मुनाफिक जहन्नम में होगा और अली से कोई मुनाफिक के अलावा वो गुजर नहीं सकता, तो फैसला हो गया कि मोहब्बत अली ही तो है जो जन्नत जहन्नम को तकसीम करने वाली है। सही ना? तो जब आप इंशाल्लाह वहां पहुंचेंगे तो आप नॉक करेंगे तो तन्नतिल फैजा दक्कतिल हलकत वल सफा, तन्न शोर होगा, वकालत या अली, दरवाजे से या अली की आवाज आएगी। ये या अली की आवाज वहां क्यों आ रही है? एक बहुत बुजुर्ग आयतुल्लाह हैं की किताब से जुमला सुनाता हूं, उन्होंने कहा कि जब किसी के घर में जाते हैं मालिक का नाम लेते हो ना, अहमद साहब, जाफर साहब, हुसैन साहब, जिसके या अल्लाह भाई जिसके घर में गए हो, पहले दरवाजे पे खड़े होकर कहते हो आ जाऊं मैं अंदर, इजाजत है, मालिक से इजाजत तलब करते हो, भाई जन्नत के मालिक का नाम अली है, जब तक वहां अली का नाम ना ले लोगे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, और जिसे अली का नाम बुरा लगता है तो फिर एक ही जगह बचती है, फिर वो जन्नत जन्नत की हमसाई एक ही है, उसे वहीं जाना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, खतीब बाद में पहुंचता है, क्लिप पहले पहुंच जाता है, लेकिन मैं पढ़ दूं आपके सामने जुमला के मस्जिद में भी अली है तो मिंबर में भी अली, लाया ना करना, काबा गवाह है दोषे पैगंबर में भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, भाई हर जगह अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाए।
سلام سلام اللهم صل على محمد وآل محمد कल यही से बात शुरू करेंगे। बीबी के नाम के हवाले से मैंने वादा किया था, लेकिन आज बीबी ने कुछ और इस वक्त कहलवाया। कल यहीं से बात शुरू करेंगे। मैं मौजूद हटा नहीं इसलिए कि लौला अली लम यकुल फातिमा कुफ्वन, अली ना हो तो फातिमा का कोई हमसर ही ना हो। जो कुछ अली है जिस मकाम पर भी, वो फातिमा से कुफ में बढ़ते नहीं है। हम कुफ फातिमा फातिमा आदम फमन दूनम आदम या गैर आदम। यहां आदम का लफ्ज़ कह के हुजूर ने अंबिया को भी शामिल कर, हत्ता अंबिया भी इस काबिल नहीं थे कि सैयदा के हमको बन सके। फकत अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दो हस्तियां थी, एक घर के बाहर अली, खैबर में, खंदक में, ओहद में, बदर में, शबे हिजरत बिस्तर पर सो रहे हैं, हालत रुको में ज़कात दे रहे हैं, उनकी फजीलत सबके सामने, ज़हरा पर्दे में, उनके फजाइल मलाए आम में नहीं है इस तरह जैसे अली के। तो कहीं जहरा के फजाइल पर कोई किसी के जहन में ये ना सवाल आ जाए कि अली के बराबर है, कम है, ज्यादा है, क्या है, का नहीं। लौला अली लम यकुल फातिमा कुफ्वन, बस अली ना हो तो जहरा का कोई हमसर ही ना हो, ये समझ ली। यानी जितने अली के फजाइल हैं वो सब जहरा उसमें शरीक है, सुभान अल्लाह। यही मरज अल महरैन यद्दकियान का मतलब है। बात पहुंच गई है। कल मजलिस एक यहाँ है इंशाअल्लाह, और परसों कौन सा इमाम बारगाह जो करीब है, कसरे ज़ैनब, इमाम बारगाह कसरे ज़ैनब में, नहीं यहीं से आगे जो सामने जो इमाम बारगाह, तो बस जो दो दिन अब बचे हैं। इमाम बारगाह मुख्तलिफ है लेकिन माशाल्लाह मोमिनीन वही है, और भी मोमिनीन शामिल हो जाएंगे तो मौजू का तसलसल उसी तरह से रहेगा इंशाअल्लाह। एक नजफ रसा नारा लगाइएगा जरा बीबी की खुशनुदगी के लिए। ये दर तो वो है कि जहाँ कायनात के रसूल खड़े होकर सलावात भेजते हैं अदब एहतराम से, छह महीने आकर अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा, जहरा के दर पे खड़े होकर आए तथीर दफनाजर में। कल शायद फजाइल के पहलू पर आए तथीर सुनाऊ, आज मसाइब के पहलू पर सुन लेना। जब आए तथीर नाजिल हुई तो हुजूर आके दर जहरा पे खड़े होते थे नमाज से पहले, तमाम सहाबा देख रहे होते थे। हुजूर चाहते थे कि ये सब देख लें कि फातिमा के दर का एहतराम कितना है, और आगे कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए नबुव्वत के अहले बैत, ए जहरा आप पर सलाम। हुजूर इजाजत लेते थे जहरा के घर आने के लिए। जब हुजूर का वक्त आखिर आया तो जहरा की आगोश में बाबा का सर था, दकुल बाब हुआ। बीबी ने कहा कि मेरे बाबा बहुत बहुत शदीद दर्द की तकलीफ में है, अगर तुझे काम है कुछ तो वापस चला जा, कुछ देर बाद आ जाना, इस वक्त मेरे बाबा को जहमत में ना डाल। वो चला गया वापस आने वाला। फिर एक मरतबा दकुल बाब हुआ थोड़ी देर बाद, का मैंने तुझसे कहा था मेरे बाबा बहुत तकलीफ में है, बहुत मरीज बीमार है, तू चला जा वापस। वो फिर आया, चला गया। तीसरी दफा जब आया तो जहरा की आंखों से आंसू बहे, हुजूर के चेहरे पर गिरे, आंखें खोली, कहा जहरा आप रो रही हैं, आपके बाबा आपको रोते हुए देख नहीं सकते, क्यों रो रही है जहरा मेरी बेटी। कहा बाबा एक शख्स बार बार आता है, मैं उसे मना करता हूँ, मना करती हूँ, वो फिर आ जाता है, फिर मना करती हूँ, फिर आ जाता है, कहते आपसे बात करनी है, आपकी खिदमत में आना है। हुजूर ने कहा ऐ बेटी ये तेरे दर का एहतराम है, ये वो है कि जो किसी नबी किसी वली किसी वसी के पास रुका नहीं आकर, किसी से इजाजत तलब नहीं की है, ये मलकुल मौत है।
یہ تیرے در کا احترام ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتا. کہاں ہے رونے والے؟ یہ فاطمہ کے در کا احترام تھا. چند دنوں بعد اسی در پر لکڑیاں جمع ہو رہی تھی, زہرا کا در جل رہا تھا, فریاد کر رہی تھی, بابا جس در پر ملک الموت بھی رکتا تھا, ارے جس در پر سرکار ختمی مرتبہ کھڑے ہوتے تھے, فاطمہ کے در پر لوگ آگ لگانے آئے. سننا جملوں کو, مسائل پڑھتے ہیں مجھے. یا اللہ, جب حضور دنیا سے چلے گئے تو کچھ لین آئے. دیکھو حالات ایسے ہیں, میں جتنا مولا نے مجھے اجازت دی میں پڑھ سکتا ہوں, باقی آپ نے خود بتلانا ہے اپنے بچوں کو کہ فاطمہ پر ظلم کس نے کیا تھا. قتل الحسین بالمدینہ, ایک روایت نہیں, عالم کا کلام ہے لیکن بجا کلام ہے کہ حسین کو کربلا میں تو بعد میں مارا گیا, حسین کو تو مدینہ ہی میں مار دیا گیا تھا. اس لیے کہ زہرا کے در کو نہ چلایا جاتا تو کربلا میں حسین کے خیموں کو نہ جلایا جاتا. اگر زہرا پر مدینہ میں ہاتھ نہ اٹھایا جاتا تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی سکینہ کو تماچے مارتا. اگر علی کی گردن میں رسی باندھ کر نہ کھینچا جاتا تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی سجاد کے گلے میں تاج پہناتا. آگے جملہ کہوں, اگر بی بی کو دربار میں نہ بلایا جاتا تو کسی کی جرات نہ ہوتی کہ فاطمہ کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں بلایا. جزاک اللہ. زہرا کے غم میں رونا, اور خدا تمہیں کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم فاطمہ زہرا کے, سوائے غم حسین کے. آج میں جملہ بدل رہا ہوں اس لیے کہ جب ایام عطا میں مصائب ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں حسین کے مصائب ہیں, ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے فاطمہ. آج فاطمہ کے مصائب ہیں, حسین پرسہ لینے کے لیے کربلا سے آئے ہوئے ہیں. کون کون ہے جو میری ماں پر رو رہا ہے؟ کس کی آنکھوں میں فاطمہ کے نام پر آنسو ہے؟ بس عزیزوں, انہوں نے آ کر کہا علی کو نکالو ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. فاطمہ نے کہا اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. کام حسن اور حسین اگر نہ دیکھا ہوتا تو نہ پڑتا. بی بی نے کہا حسن حسین ہے یہاں پر, کہتا ہوتے رہے, میں اس گھر کو گھر والوں کے ساتھ جلا دوں گا. سیدہ نے ایک مرتبہ ہاتھ سے دروازے کو روکا, دروازہ چلنا شروع ہوا. اس لئی نے کہا میں نے دھکا دیا دروازے کو, ہاتھ اندر بڑھایا. ایک لئی جس کا نام قلبز ہے, اس نے تازیانے سے سیدہ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا. حتی سارا کا دملوں سے لسوت, یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر باقی رہ گیا. سیدہ پر دروازہ گرا, درو دیوار کے درمیان ایسا رہا کا لفظ ہے, یعنی نچوڑ دی گئی درو دیوار کے درمیان. تمہاری صدائیں بلند ہو رہی ہیں, خدا اس رونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اثر ہا کا ترجمہ کسی سے بھی پوچھنا, کسی عربی دان سے, کہتے ہیں نچوڑ دینا. سیدہ کو انہوں نے درو دیوار کے درمیان نچوڑ دیا. اس دروازے میں ایک میخ تھی, میخ, وہ میخ جل کر دروازے سے جدا ہوئی. اسفہانی نے شعر کہا ہے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو وہ دروازے کی میخ کہاں لگی, کہتے اسی سینہ اطہر سے پوچھو جس میں بہت سے راز ہیں. اللہ جانے سیدہ کو میخ, سیدہ نے فریاد کی, بابا آج کی بیٹی فریاد کی, مخزینی فضا, اے فضا مجھے سنبھال لینا, میرا محسن مار دیا گیا. مدینہ میں زہرا کا محسن مارا گیا, کربلا میں حسین کا علی اصغر چہرہ مارا گیا. آخری جملہ کہتا ہوں. سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی. دیکھو پسلیاں ٹوٹ جائے نا تو ہر سانس میں تکلیف ہوتی ہے, اگر جسم کے کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے پلاسٹر لگ جاتا ہے, لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے تو ہر سانس میں تکلیف ہوتی ہے. سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں, علی کو انہوں نے کھینچا,
अली ने कहा खुदा की कसम अगर मेरे मौला रसूल अल्लाह ने मुझे ना रोका होता यहाँ पर। किसी ने मेरे मौला अली से पूछा था अय्याम फातिमिया में समझ में नहीं आता जहरा की शहादत पढ़े या अली की गुर्बत पढ़े, समझ नहीं आता ये गुर्बत है अली है, हतमान ने जो जहरा दरबार में गई है ये गुर्बत है अली है। किसी ने मेरे मौला से पूछा था मौला मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है, खुदा का वास्ता खुदा जहरा का के बाबा से बोला अली की खातिर रोना, मर्द के लिए सबसे सख्त मौका कौन सा होता है। मौला ने कहा मर्द के लिए सबसे सख्त मौका वो होता है जब उसके सामने उसकी जौजा को मारा जाए और उसे सब्र करना पड़े, कोई अली के सामने जहरा पर हाथ उठाए, अली को सब्र करना पड़े, कोई अली के सामने जहरा का पहलू तोड़ दे, अली को सब्र करना पड़े, कोई अली के सामने जहरा का मुंह से मार दे, अली को सब्र करना पड़े। अली को खींच कर ले जा रहे थे, जहरा कश खा कर गिरी हुई थी, जैसे ही आगे बोली फिजा से पूछा अली कहाँ है, कभी भी अली को लेकर गए हिफाजत करने के लिए जबरदस्ती बायत दिलवाने के लिए, अली के गर्दन में तलवार रखी हुई है। जहरा उठी मस्जिद में आई कहा अबुल हसन को छोड़ो वरना मैं दुआ करूंगे। सलमान कहते आखिरी जुमला मेरा जिसके दिल में जितना दम है रोता जाए, मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगे, अली को छोड़ दिया गया, हाथों को छोड़ के कहूंगा बीबी आज अली को बचा लाए, कल दिल्ली ज़ैनबिया पर आपकी बेटी हुसैन को देख रही थी, शिवर हुसैन के सीने पर था बजर बदन में जरबतन, एक के बाद एक जरबत लग रही थी, ज़ैनब पर याद कर रही थी ऐ मेरे माजा हुसैन, हुसैन से होते रहे कोई हुसैन को बचाने वाला नहीं। बीबी के नाम से एक तवस्सुल कर लेना फिर मातमदारी करेंगे इंशाअल्लाह। बीबी का वसीला वो है जमीन हिला देता है इन्हीं बहते हुए आंसुओं के साथ, मियां फातिमा तो ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या कुर्रत अईन रसूल या सय्यदतना وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكِ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكِ بَيْنَ يَدَيْ عَجَابْنَا لَا بِزَهْرَا بَرَيَا وَجِيَتَا मरीजों के लिए क्या मदीना
और बाजार